ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाप दादा अभी भी अव्यक्त रूप में यज्ञ संचालन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बाबा ने दादा के माध्यम से हम सबके साथ वायदा किया कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा ने कहा कि मैं सारे संसार की एक एक आत्मा को साथ लेकर ही जाऊं। जब तक पूरा कार्य नहीं होता तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। संपूर्ण आहुति जब तक नहीं पड़ेगी यज्ञ चलता रहेगा और इसमें सारे विश्व के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी को स्वाहा होना। स्वाहा होना अर्थात शुद्ध होना। हर तत्व एकदम अपने शुद्धतम रूप में आना है। उसके लिए यज्ञ संचालन का सारा कार्य चल रहा है। ड्रामा अनुसार हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। बाबा को जाकर के ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोई पार्ट गलत तो नहीं बजा रहा, आलस तो नहीं कर रहा, अलबेलापन तो नहीं आ गया, क्योंकि हर आत्मा एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही। जो जहां भी है, जैसे भी है, और बाप दादा ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, तीनों पार्ट संगम पर, ये तीनों पार्ट का संगम है और एक साथ शिव बाबा भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब प्रत्यक्ष मुरली सुनाने का पार्ट भले ही रुक गया है, परंतु जैसा बाबा ने 1970 की मुरलियों में कहा कि आप अव्यक्त वतन में आओ, अब अव्यक्त वतन में कोई जाने वाली बात नहीं है। उसके साथ कहा कि इस व्यक्त को ही अव्यक्त बना दो, अर्थात यहां आप इतने न्यारे और प्यारे बन जाओ जो बाप के डायरेक्शंस आपको तुरंत समझ में आते जाए कि क्या करना है, कैसे करना है। क्या करना है और कैसे करना है। तो अभी संचालन कर रहे हैं और उनका कार्य जैसा है चल रहा है और सबको अपनी अपनी रीति से अनुभव भी हो रहा है। जैसा जैसा जिसका पार्ट, क्योंकि सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता, सब आत्माएं यूनिक है, अद्वितीय है।
और एक का पार्ट नहीं मिल सकता दूसरे से, तो बाबा के साथ भी सबका पार्ट अपने अपने तरीके से है। सब आत्माएं बाबा से अपने अपने तरीके से मिलन मना रहे, अपनी गाइडलाइन अपनी डायरेक्शन उसी प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम।